गोस्वामी जी लिखते हैं सीयमुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान श्री राम माता जानकी को देख रहे हैं, माता जानकी भगवान श्री राम को देख रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी के लिए ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी से कहा गया क्यों आपने आपने चकोर बना दिया राम जी को, ये अच्छा नहीं किया आपने, चकोर बना दिया प्रभु श्री राम को। भाई प्रभु श्री राम को भक्त देखते हैं तो भक्त चकोर बनते हैं, और आपने भगवान श्री राम को ही चकोर बना दिया, ये तो अच्छा नहीं किया गोस्वामी जी, ठीक बात नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा सुनिए, यदि हम प्रभु श्री राम को चकोर न बनाते ना, तब आप लोग हमको जरूर, आपका और हमारा भी, कि ऐसे दिव्य संत, ऐसे तपस्वी संत, परम आदरणीय हमारे अखाड़े के आभूषण महामंडलेश्वर स्वामी श्री हजानंद जी महाराज आज हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं। आज कोई भूला भटका भी यहाँ आ गया हो तो उसका भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि देखिए ऐसे दिव्य संत की, ऐसे महाराज श्री का आप लोगों को दर्शन हो रहा है। मैं कहता भी हूँ और माताओं बंधुओं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गाव ही वेद पुराण। तो महाराज श्री हम सबको आशीर्वाद देने पधारे, उनकी बड़ी कृपा, उनका बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। माताओं बंधुओं, मैं चर्चा कर रहा था, पुष्प वाटिका की चर्चा चल रही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही गोस्वामी जी से कहा गया, जैसे ही गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप बताइए प्रभु श्री राम को चकोर बना दिए, भक्त तो चकोर होते हैं, भगवान भी चकोर हो सकते हैं क्या? गोस्वामी जी ने कहा एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि मैं राम जी को चकोर ना बनाता ना तो अन्याय हो जाता, तब आप हम लोगों के पीछे पड़ जाते। या कैसे? तो एक संत बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं, देखिए कोई ऐसा नहीं है जो इस रामचरितमानस में चकोर ना बना। कहते हैं कि दशरथ चकोर, विश्वामित्र भी चकोर बने, जनक चकोर, रामचंद्र भी चकोर हैं, गिरजा चकोर, देखो जानकी चकोर बनी, मुनिगण चकोर, मगवासी भी चकोर हैं। तुलसी यदि चाहते कि हम हूँ चकोर बने, तो रामचरितमानस में सब हूँ चकोर हैं। मुक्ति की जननी पीयूष की तरंगिनी सी, रामचरित कृतिका के तुलसी चकोर हैं। ऐसा कोई है ही नहीं रामचरितमानस में जो चकोर ना बना हो। देखिए कहां कहां कौन चकोर बना, दशरथ चकोर, अभी कल परसों हम लोग चर्चा करेंगे, माता कैकेयी से यही बात चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं कि जानती मोर स्वभाव बरोरु, और मन तव आनन चंद चकोरु, विश्वामित्र भी चकोर बने, अभी कल बने थे, भाए मगन देखत मुख शोभा, और जनु चकोर पूरन शशि लोभा, जनक चकोर, अभी चर्चा हुई सहज विराग रूप मन मोरा, और थकित होत जिमी चंद चकोरा, विश्वामित्र भी चकोर, जनक ही चकोर, रामचंद्र जी अस कही फिर चित एत ही ओरा, और सीय मुख शशि भय नयन चकोरा, विश्व रामचंद्र जी भी चकोर बन गए। माताओं बंधुओं, गिरजा चकोर अभी आगे बनने वाली है, जय जय गिरिबर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी, जानकी जी भी चकोर बनी है, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जिनु जनु चितव चकोरी, जानकी जी भी चकोर बने, मुनिगण सारे चकोर बने, मुनि समाज मह बैठे सनमुख सबकी ओर, शरद शशि जिनु चितव सब सनमुख निकर चकोर, सारे मुनिगण भी चकोर बने, और मगवासी एक टक सब सो हैं सब चब ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। ऐसा कोई है ही नहीं
तो रामचरितमानस में चकोर ना बना हो, राम जी को ना बनाते तो गड़बड़ ना हो जाती। अब माताओं बंधु, राम जी माता जानकी को देख रहे हैं, माता जानकी प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। तब तक एक बगल में सखी थी, उसने सोचा कि अब ज्यादा देर हो रही है, तो उसने कहा चिल्लाते हुए, हम कल आएंगे। अब ऐसा होता है ना, सखियां सखियों की मदद कर देती हैं कई बार। पुष्पाटिका का प्रसंग है, भगवान भक्ति भेंट कर, कल आएंगे अब हम कल, ताकि प्रभु भी समझ जाए कि कल आना है और हमको जाना भी। अब हम लोग कई बार कहते हैं ना, अच्छा अब कल मिलते हैं, अब इसका मतलब अब जाइए, अब हो गया समय, हमें भी अपने काम में लगने दीजिए, अच्छा कल कल। तो भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम निकल गए। तब तक दूसरी सखी कहती है, अरे सखी कैसी कैसी गलत बात आपने कर दी, आपने कह दिया कि हम कल आएंगे, अरे कल तो धनुष यज्ञ है, कल कैसे हम लोग आ पाएंगे, और वो राम जी हमको यहाँ ढूंढते हुए आएंगे तो कैसे मिलेंगे हम लोग। तो सखी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया, क्या करें। तो कहा सखी ने कि जाओ जाओ चिल्ला के बोलो कि कल यहाँ नहीं आएंगे, कल कहीं और आएंगे। अब सखी दौड़ी बोलने, तब तक तो प्रभु श्री राम जा चुके थे। सखी मुंह लटका के आई कि अब क्या करें, गलती तो हो गई। तो माता जानकी सब सुन रही थी, माता जानकी को लगा कि अब ये सखी तो गड़बड़ कराई है, कह दी है कि कल हम नहीं आएंगे, कल हम यहीं आएंगे। तो सोचा कि अब वो तो नहीं सुना पाई जाके सखी उनको, लेकिन आज उनको यहाँ कौन लाया था, आज किस सखी ने उनसे कहा था यहाँ आने के लिए, जो आज हमसे मिलाने उनको यहाँ लाया था, क्यों ना हम उन्हीं के पास निवेदन करने जाएं, जो आज हमको उनसे यहाँ मिला सकता है वही उनको कल हमें कहीं और भी मिला सकते हैं। कहा जा रही है माता जानकी कि गई भवानी भवन बहोरी, और बंदी चरण बोली कर जोरी, कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, इसका पाठ जो कुंवारी कन्या करती है, माता भवानी उसके विवाह की जल्दी ही परिपाटी रच देती हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, और विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी, पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख, और महिमा अमित न सकई कहीं सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, और वरदायनी पुरारी प्यारी। मैंने इस बात की चर्चा एक बार और भी की थी, किसी बड़े से किसी आदरणीय से कोई रिक्वेस्ट करनी हो ना, तो देखिए 32-32 विशेषण लगा रही है माता जानकी, उसके बाद कुछ कहेंगी वो भी कह नहीं पा रही। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदाउर पुर सब ही के, कीन्हेऊ प्रगट न कारण तेही, और वस कही चरण गही बै देही। जैसे ही माता जानकी गिरी ना, तो माताओं बंधो ध्यान दीजिएगा, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल, तुरंत माला गिर गई, माने मंगनी तो यही हो गई, माता जानकी की मंगनी माता पार्वती ने यही माला गिरा के कर दी। खसी माल मूरति मुस्कानी, बोली सुनो सी सत्य आशीष हमारी, अरे पूजी ही मन कामना तुम्हारी। आपके कहने पे कहा, नहीं नहीं, हमारे गुरुजी जो सबको मिलाते आए हैं ना, वही आपको भी बता चुके हैं, मालूम है ना, नारद जी की कथा है, नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिल ही जा। पहले क्या हुआ था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, माता पार्वती ने कहा था ना, ये मेरे बस की बात नहीं, आपको जो पसंद आएगा वही वर मिलेगा। कहा अब आपने देख लिया पसंद आ गया, आ गया, तो निज अनुरूप बोला था, नारद बचन सदा सुचि साचा,
अब सोबर मिलही जाही मनु राचा मनु जाही राचे मिलही सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो एही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षि अली और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तो जानी गौरी अनुकूल सियही हरष न जानी जाही कही माता जानकी भी प्रसन्न है माता पार्वती का आशीर्वाद है मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे माताओं का बाम अंग शुभ होता है और पुरुषों का दायां अंग शुभ होता है माताओं बंधुओं पुष्प वाटिका से प्रभु वापस आ गए पुष्प वाटिका से वापस आ गए हैं गुरुदेव को प्रणाम किया है रात्रि में चंद्रमा को देख करके माता जानकी को याद किया है और प्रातः काल सूर्य के साथ भी वो करने का जब प्रयास किए तो लक्ष्मण जी ने समझाया कि अब दोनों का मत दिन खराब करिए कि रात खराब की दूसरे का दिन आपने खराब किया ये सब विस्तृत प्रसंग है माताओं बंधुओं भगवान श्री राम माता जानकी का विवाह होना है भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह होना है सतानंद जी ने पत्रिका दी जनक जी द्वारा भिजाई गई अब ये लोग चल पड़े वहाँ पहुँच के देखते हैं कि वहाँ न जाने कितने राजा आए हुए थे और देवता राक्षस मनुष्य सब बैठे हुए थे धनुष यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए भाग लेने के लिए माता जानकी को भी बुलाया गया वो भी आकर के बैठी भगवान श्री राम को भी बिठाया गया सब लोग जब व्यवस्थित बैठ गए यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ बंदी जनों ने घोषणा करना प्रारंभ कर दिया कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर करहिं हम भुजा उठाई विशाल किन्द्रिप भुज बल विधु शिव धनु राहु और गरु कठोर विदित सब काहु घोषणा कर रहे हैं बंदीजन रावण बाण महाभट भारे देखी सरासन गवई सिधारे सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा जिसने भी वो भगवान शंकर का धनुष इस भी सभा में तोड़ा ना तो त्रिभुवन जय समेत पय देही जिसने भी तोड़ा उसकी जानकी जी से विवाह कर दिया जाएगा तब तक एक राजा खड़ा हुआ राजा जी ने कहा महाराज एक समस्या है तो कहा क्या समस्या है कहा समस्या यह है कि हम धनुष तोड़ दें और जानकी जी विवाह करने से मना कर दें तब क्या होगा तो बंदी जनों ने कहा नहीं नहीं इसमें माता जानकी जी को विचार करने का कोई आज्ञा नहीं दिया गया है कोई प्रोविजन नहीं है वो विचार करेंगे बिना ही विचारी विचार नहीं करेंगे तो एक और खड़ा हुआ उसने कहा एक समस्या और है क्या कहा मान लीजिए कि वो विचार करने लग जाए तो कहा देखिए यदि जानकी जी विचार करने भी लग जाए ना तो भी जबरदस्ती उनका विवाह करा दिया जाएगा बरई हट ही हट करके ते ही जबरदस्ती विवाह करा दिया जाएगा जानकी जी का माताओं बंधुओं इतना सुनना था कि सब लोग उठ गए परिकर बांधी उठे अकुलाई और चले इष्ट देव ही सिरुनाए अब उठे राजा और उठे तो क्या किया देखिए सबसे पहली गड़बड़ तो पहले ही कर दी सबसे पहली गड़बड़ क्या गड़बड़ ये कि माताओं बंधुओं कि हम लोग जैसे दरवाजा खोलें और कमरे के अंदर जाके कहें कि मैं आई कमिंग सर तो गलत है ना पहले इष्ट देवों को प्रणाम करना था फिर चलना था पहले चल रहे हैं फिर इष्ट देवों को प्रणाम कर रहे हैं इतनी आतुरता है उनको धनुष तोड़ने की नंबर एक और दूसरा एक भाव और बता रहा हूं आपको माताओं बंधुओं चले तो वो लेकिन किन इष्ट देवों को प्रणाम किया
ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर सबके प्रांत में, सबके क्षेत्र में कुल देवता और कुल देवी होते हैं। बीजासन माता, भद्रकाली, इस प्रकार से कुल कुल देवी कुल देवता होते ना, कैला देवी। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब राजा उठे ना, तो जैसे उठा बीजासन माता का भक्त, जय बीजासन माता कहता हुआ, तो बीजासन माता को लगा कि इससे धनुष तो उठना नहीं और नाम हमारा इसने ले लिया पूरे समाज में, तो इसकी बेइज्जती नहीं, बेइज्जती तो हमारी होगी, उठा तो हमारे भरोसे पे है, तो वो ले रहा है इष्ट देवता का नाम और इष्ट देवता अपना सिर मुंह से झुका ले रहे हैं कि अब इस बेइज्जती को कौन सहेगा। ध्यान दीजिए, चले इष्ट देव ही सिरुनाई, इष्ट देवता अपने सिर नवा रहे हैं कि कहां हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बोले तमकिता की तक शिव धनु धरही और उठाई न कोटि भांति बल कर रही। कोटि भांति बल कर रहे, कोई लेट के कर रहा है उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई टेक लगा के कर रहा है। विज्ञान में होता है ना, जब ज्यादा वजनदार चीज नहीं उठती तो टेक लगा के भी उसको, विज्ञान के द्वारा साइंस है कि उठा के ऐसे लगा दिया जाए। कोई किसी प्रकार प्रयास कर रहा है, कोई किसी प्रकार प्रयास कर रहा है, लेकिन माताओं बंधुओं उनकी वही हालत हो रही है जो हालत बंदर को, ध्यान दीजिएगा, बंदर को यदि नारियल मिल जाए तो बंदर ये नहीं जानता कि इस नारियल को किस प्रकार से चीरा जाएगा, फिर फोड़ा जाएगा, फोड़ने के बाद अंदर गरी निकलेगी और उस गरी को खाया जाएगा। ध्यान दीजिए, उस प्रकार से सारे जैसे, तो क्या करता है बंदर, कभी सिर से इधर मारता है, कभी उधर फोड़ता है, कभी उसके ऊपर कूदता है, कभी इधर करने की कोशिश करता है, कुछ इसमें से हो तो, लेकिन कुछ हो नहीं पाता, सारे प्रयास विफल जाते हैं। उसी प्रकार सारे राजाओं की हालत वही है, जैसे बंदर को नारियल दे दिया गया वैसे ही सब धनुष के साथ कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं सगुन पायउ एक धनु करी, नहीं सगुन पायउ रहउ मिस करी, एक धनु देखन गए जानकी मंगल में। ये लिखा गोस्वामी जी ने द्वादश ग्रंथ में, जानकी मंगल में उल्लेख है, नहीं सगुन पायउ रहउ मिस करी, एक धनु देखन गए और टकटोरी कपि ज्यो नारियर। जैसे कपि नारियल के साथ करे, सब नाई सिर बैठत भये, सब सिर झुका के बैठे हैं, करें तो क्या करें। अब जो जो सिर झुका के आके बैठ रहे हैं ना, तो माताओं बंधुओं कुछ समझदार भी वहां थे, वो देख रहे हैं कि हमसे बड़े वाले बड़े बड़े तो चले गए, तो हम किस लाइन में हैं, हमारी क्या औकात जब हमसे बड़े बड़े पहलवान चले गए। तो वो क्या कर रहे हैं जानते हैं, उन्होंने निकाला रजिस्टर और रजिस्टर निकाल के उन्होंने रोल नंबर लिखना शुरू कर दिया, नाम के अल्फाबेट के अनुसार ए बी सी डी ई एफ जी एच में सब राजाओं के नाम लिख लिए। तो कहा आप क्या करने आए, कहा देखिए हम, आप धनुष उठाने नहीं आए क्या, नहीं नहीं, नहीं। काहे बात का धनुष, अरे जनक जी से हमारी मित्रता है, इतना बड़ा आयोजन होना है, हम लोग तो सहायता करने आए, धनुष थोड़ी उठाने आए क्या। तो कहा देखिए अब आपकी बारी हो गई है, अब आप दूसरी बार नहीं जाएंगे, अब आप जाइए उठिए, कौन कौन चला गया हम ये लिख रहे हैं। माने रेफरी बन गए हैं एक तरीके से वो धनुष यज्ञ में, वो देख, हम तो व्यवस्था देखने आए, हमें धनुष, अरे हमारा तो विवाह हो गया जी, हमें क्या विवाह करना। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि, वो दूर दूर तक भटक नहीं रहे थे धनुष के पास। और सारे राजा तमकी धनहि धनु मूढ़ रपो, उठाई न चलई लजाय, मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआय। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, ये जो धनुष था ना, ये धनुष भी जड़ नहीं था, चैतन्य था, धनुष में दिमाग था। धनुष क्या करता था जानते हैं, धनुष देख लेता था कि ये सामने से राजा चला रहा है। तो आप लोगों ने वेट लिफ्टिंग चैंपियन जो होते हैं ना, जो वेट उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वेट उठाने वाले लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, भाई किसी ने 100 किलो का रिकॉर्ड बनाया है तो उससे बड़ा जाएगा तो 150 किलो उठाएगा तो उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो उनके एक रिकॉर्ड होते हैं वजन उठाने के। उसी प्रकार से धनुष ताड़ लेता था दूर से कि ये राजा आए हैं, इनका रिकॉर्ड है 100 किलो उठाने का,
तो वो 120 किलो का हो जाता था तुरंत। जब 120 किलो वाले आते थे तो 150 किलो का हो जाता था, 150 वाले आते थे तो 200 का हो जाता था। मनहु पाई वो पा लेता था, कितना ही रिकॉर्ड बना सकते हैं। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई, गधे और अधिक अधिक बढ़ता जा रहा था और गरु होता जा रहा था। अब माताओं बंधुओं, सारे राजाओं ने सोचा कि इस प्रकार से तो धनुष नहीं उठना, क्या करें। तो राजाओं ने सोचा एक काम करते हैं कि भाई एक साथ सब लोग उठाने धनुष, एक साथ उठाने लगो और उठा लिया जाए। सबसे मुख्य तो यह है कि धनुष उठे। तो कितने राजा लगे जानते हैं? भूप सहस दस एक ही बारह, भूप सहस दस एक ही बारह, बारह। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, ये रामचरितमानस है और रामचरितमानस की हर अर्धाली में अपना एक रस है, एक आनंद है। रस कहाँ है बस यही खोजने की आवश्यकता है। एक संत थे स्वामी अंगद जी महाराज, सुनाया करते थे। माताओं बंधुओं कहते हैं, भाव देखिए, अर्धाली का भाव देखिए, वो कह रहे हैं कि राजाओं ने ये धनुष नहीं उठाया। दरअसल हुआ क्या कि जनकपुर में एक बारा बनाया गया। बारा समझते हैं, बारा, बारा होता है बड़ा, बड़ा को वो कवि को इतनी लिबर्टी मिलती है, आजादी। तो कह रहे हो बारा नहीं, वो बड़ा है, बड़ा, बड़ा माने दही बड़ा। एक बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया बारा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल जनकपुर में। तो पूछा गया कि कितने लोगों ने वो बनाया? तो बोले 10,000 लोगों ने मिलके उस बड़े को बनाया, दही बड़े को। कितने? बोले भूप सहस दस ये कही बारा। तो पूछा गया कि अच्छा 10,000 लोगों ने बनाया इतना बड़ा बड़ा बारा, तो कढ़ाई कहां से लाए? अरे भाई बड़े को तला जाता है, इतनी बड़ी कढ़ाई कहां से आई जिसको 10,000 लोगों ने मिलके बनाया? तो कहा कि अच्छा कहां से आई, पढ़िए रामचरितमानस। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर के यत्नों के बाद मुनि ने निकाल करके, मुनीश्वरों ने, तपस्वियों ने, साधु संतों ने कढ़ाई बनाई थी, कढ़ाई बनाई थी। तो कहा कि अच्छा कढ़ाई भी बन गई बारा, तो तेल में तला जाता है, इतना सारा तेल कहां से आया ये तो बताइए, कढ़ाई भी आ गई कहां से आया, पढ़िए रामायण। कुबुलए विपिन कुंत बन सरिसा, और बारिद तपत तेल जनु बरिसा। आकाश वृष्टि हुई थी, बादलों से तेल गिराया गया था, बादलों ने तेल को बरसाया था। तो कहा अच्छा कढ़ाई भी इतनी बड़ी, तेल भी इतना ज्यादा आ गया, 10,000 लोगों ने मिलके बनाया, तो उसको खाया कौन, उस बारे को किसने खा लिया, खाता तो कोई दिखा नहीं। अरे कहा खा लिया केवल एक व्यक्ति ने, अकेले ने। कौन खा गया? बोले संपाती अकेले खा गया। पढ़िए रामायण। बोले कबहु न मिली भरी उदर आहारा, और आज दिन हो विधि कही बारा। वो अकेला ही पूरे बारे को खा गया। कहने का अर्थ है माताओं बंधुओं, ये तो अर्धाली से रस जहां से निकालेंगे ना, रामचरितमानस है, निकल आएगा भूप सहस दस ये कही बारा। बड़ी मनोवैज्ञानिक गिनती है, बड़ी मनोवैज्ञानिक। देखिए 10,000 राजा लगे, और 10,000 राजाओं में माताओं बंधुओं इस गिनती में देखिए तो 4 तो जीरो होते हैं 10,000 में, और एक एक होता है, 4 जीरो और एक एक मिलके बनेंगे 10,000 राजा। मानो गोस्वामी जी पंचायती व्यवस्था लिख रहे हैं, जो पंचायती व्यवस्था होती है ना, जानते हैं पंचायती व्यवस्था में 5 पंच होते हैं, पंच परमेश्वर, लेकिन उन 5 पंचों में एक सरपंच होता है। होते तो 5 पंच हैं और एक सरपंच होता है, लेकिन मन ही मन उन 5ों में हर व्यक्ति अपने आप को सरपंच समझता है, 4 को जीरो समझता है और अपने आप को एक समझता है। 10,000 की गिनती जैसे
जैसे मान लीजिए माताओं बंधुओं यदि 10,000 राजा लगे थे तो पहले उनको ये तय तो कर लेना था कि यदि माता जानकी के लिए जो धनुष उठा रहे हैं, यदि ये धनुष उठ गया तो माता जानकी से, जानकी जी से विवाह कौन करेगा? 10,000 राजा तो करेंगे नहीं, लेकिन सारे राजा दूसरों को मान रहे हैं जीरो शून्य और स्वयं को मान रहे हैं एक। सब मन में सोच रहे हैं कि भाई धनुष तो उठे, इन सबको मैं जीरो कर दूंगा और जयमाल तो अकेले मेरे ही गले पहनने। ये सब राजा अपने मन में सोच रहे हैं, तो सोचा कि धनुष तो उठाए, बाद में सबको देख लिया जाएगा। तो भूप सहस दस ये कही बारा और लगे उठावन टरही नटारा, लेकिन डगई न शंभु सरासन कैसे, खामी बचन सती मन जैसे। माताओं बंधुओं, एक सती का सतीत्व दाव पे लगा था, आप बताइए कैसे धनुष उड़ जाता? हमारे यहाँ सनातन धर्म में दो ही तो शक्तियां हैं, एक सती का सतीत्व और एक संत का संतत्व, यही दो शक्तियां हैं। कैसे धनुष उड़ जाता आप बताइए? सब रप भय जोग उपहासी और जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारे राजा हंसी के पात्र बन गए, सारे राजाओं में किसी की दम ही नहीं कि उठा लें। माताओं बंधुओं, जब सारे राजा मुंह लटका के बैठ गए ना, तो जनक जी महाराज ने सबकी ओर देखा और जनक जी ने कहा, ऐसा है राजाओं, हम इतनी देर से चुप बैठे हैं तो आप ये शायद सोच रहे होंगे कि हम आपको नहीं पहचान पा रहे सबको। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो प्रण ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा। यहाँ राक्षस और देवता भी बैठे हैं, सबको पहचान रहा हूं मैं, लेकिन केवल खामोश बैठा, चुप बैठा हूं। विपुल वीर आए रण धीरा, बड़े बड़े राजाए हैं, सबको देख रहा हूं मैं। और क्या क्या बातें कर रहे थे अभी, वो भी मैं सुन रहा था। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तोड़ देंगे, तोरे उ धनुष चार नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई, सारी बातें सुन रहा था मैं। ले उछड़ाऊब तोरब भाई, लेकिन तिल भर भूमि न सकई छड़ाई, तिल भर हिला नहीं पाए धनुष को। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस प्रकार से धनुष उठा लेंगे। कहा, ऐसा है, आज के बाद कोई मेरे सामने ज्यादा बोलना मत, ध्यान दीजिएगा, बड़ी व्यवहारिक बात है। जब हमारे सामने कोई बहुत ढींगे हाँकता है ना, अरे मेरी उनसे पहचान है, कभी मुझसे काम कह देना और वो देख लेना, मैं आप जानते नहीं है मुझे, और एक फोन पे मेरे वो आ जाएंगे, तो हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं भाई, कि इनकी नेताओं से पहचान है या बड़े अधिकारियों से पहचान है या बड़ी, ये बहुत बड़े आदमी है। और मान लीजिए कभी उनसे कोई काम पड़ जाए, तो जब काम पड़ जाता है हम उनके पास जाएं कि जैसा काम है कर दीजिए, तो उस समय वो दाएं बाएं झांकने लग जाए। तो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा है, अब आज के बाद आप हमारे सामने डींग मत हाकिएगा अपनी, फिर मत कभी हमसे कहिएगा कि हम इतने बड़े वाले हैं, हम ये कर देंगे, हम आपकी वो मदद कर सकते हैं। आज जब मदद लेके आए तब तो कर नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने कर रहे हो। यही बात जनक जी ने कहा कि आज के बाद मेरे सामने कोई ज्यादा पहलवानी मत दिखाइएगा अपनी,